दक्षिण पश्चिम विधायक भगवान दास सबनानी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ फिजूल में 6-7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बार उनके सामने छिंदवाड़ा सीट नहीं बचा पाने का संकट मंडरा रहा है। भोपाल दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ कांग्रेस के खाते में 6-7 सीटें आने की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट कैसे बचाना है पहले भी ये सोचें। प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए हैं उससे भाजपा के प्रति लाभार्थी के मन में स्नेह है। सबनानी ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो क्या भाजपा को टारगेट करेंगे जो खुद ब्लैकमेलिंग का काम करते हुए पकड़े गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कानून और संविधान पर चलने वाली है, जो अपराधी है उसकी जगह सुनिश्चित है, वो वहां पहुंचेगा जरूर। चलो कम से कम उनका बाकी जो साथी थे वो तो बहुत आगे की बात करते थे, लेकिन 12 और 14 कौन से वो पूछने पे नहीं बता पाएंगे। इस समय संकट इस चुनाव में उनके सामने ये भी है कि वो छिंदवाड़ा भी बचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 29 में से 29 जीतने का है। इसलिए छिंदवाड़ा जो पिछली बार रह गई थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी इस बार गरीब कल्याण के जो काम हुए, जो लाभार्थियों के जो मन में स्नेह है, निश्चित रूप से छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये ब्लैकमेलिंग का काम करना हमने तो नहीं कहा, वहाँ पकड़ाए हैं वहाँ के लोगों जिस तरीके का आचरण व्यवहार है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, कानून पे चलने वाली सरकार है, विधि सम्मत काम करने वाली सरकार है। इसलिए ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से वो चाहे किसी भी वेशभूषा में रहे हो, कुछ भी हो, वो बच नहीं सकते। जो अपराधी है उसकी जगह सुनिश्चित है वहां जाएंगे। इसलिए वो हमको ये ना सिखाए, निश्चित रूप से वो जीत गए होंगे लेकिन उस सीट पर कमल का फूल खिलेगा। रतलाम झाबुआ की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।